भीम आर्मी करके जो एक संगठन निकल कर आया है वो पहले बोलता था कि मैं भीम इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा वहां से जहां से मोदी या स्मृति ईरानी इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या है ये रणनीति, इसको अपने नजरिए से बताएं जरा। देखिए, कांग्रेस एक बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है, आप जानते हैं, और कांग्रेस में बहुत घाघ किस्म के जाति वाले जी। कांग्रेस की ही परंपरा, कांग्रेस की ही जो ट्रेडिशन है उसको बीजेपी ने फॉलो किया है जी। बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने एक लंबा, बाबा साहब को निस्तेज करने का, बाबा साहब को राजनीतिक रूप से परेशान करने का उनका एक लंबा इतिहास था। चुनाव उनको हरवा दिया गया जी। मतलब अनजान व्यक्तियों से उनको चुनाव हरवा दिया गया। इस तरह का कार्य कांग्रेस करती रही है जी। कांग्रेस को ये लगता है कि अब आप इसको इस रूप में देखिए, जहां जहां कांग्रेस है जी वहां पे बीजेपी। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस में संघर्ष होता है तो बीजेपी जीतती है, कांग्रेस हारती है। आम जी पे पिछले तीन राज्यों के चुनाव हुए वहां पे बीजेपी हारी है, कांग्रेस जीती है। इस वजह से कांग्रेस को लग रहा है कि वो पूरे देश पे कब्जा कर सकती है, पूरे देश पे अपनी बात को रख सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत मार्जिन कम रहा उसका, जिससे पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हार गई अपनी इस हटदर्पणता। उसने बहुजन समाज में समय समय पे ऐसे तत्व जिनको मानवर कांशीराम साहब चमचा कहा करते थे जी, चमचा युग इसीलिए लिखा गया कि ऐसे लोगों को उन्होंने तैयार किया है कि इलेक्शन में उनका इस्तेमाल किया जाए। जैसे गुजरात का उदाहरण देखे, गुजरात में एसपी बीएसपी और कांग्रेस के अंदर गठबंधन की बात चल रही जी। बीएसपी वहां पे सिर्फ 10 सीट चाहती थी जी, लेकिन 25 सीट वहां पे बीएसपी चाहती थी, लेकिन कांग्रेस उनको सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जिग्नेश मेवानी को वहां पे खड़ा किया जी। जिग्नेश मेवानी को खड़ा किया, उसको रातों रात अपने मीडिया के सहारे, क्योंकि उसका अपना एक अच्छा खासा मीडिया बैकअप है कांग्रेस का, तो उसने जिग्नेश मेवानी को वहां पे दलित नेता के रूप में स्थापित कर दिया, उसके साथ अलायंस किया, उसको एक सीट दे दी। वो सीट दी कांग्रेस ने उसको, जिसपे 53 साल से कांग्रेस जीतती आ रही थी, मतलब श्योर सीट उसको दे दी। और उनके सहारे जो वहां पे शेड्यूल कास्ट वोट जो बीएसपी के साथ आ सकते थे या बीएसपी के साथ आते रहे, जैसे पिछले चुनाव में उन्हें 2% वोट मिला था, इस चुनाव में बीएसपी ने खुद अपने प्रचार को कम किया क्योंकि एक माहौल बन रहा था बीजेपी का, लेकिन जिग्नेश मेवानी को स्थापित उन्होंने कर दिया कांग्रेस ने। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी चंद्रशेखर के साथ काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश गुजरात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार बना चुकी है, माननीय कांशीराम साहब का आंदोलन वहाँ पर बहुत मजबूत आंदोलन है। यहाँ पे बीएसपी के बड़े बड़े नेता जो बीएसपी छोड़ के गए, कभी कोई मार्ग अपना समाज में नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ पे ना बिकने वाला समाज मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि अगर आपको ना बिकने वाला नेता चाहिए तो ना बिकने वाला समाज बनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश इस मायने में एकदम अलग है कि यहाँ पे ना बिकने वाला समाज है, इसलिए अगर हमारे 10-10 विधायक भी छोड़ के चले जाते हैं तो भी हमारा वोट जो है वो स्थायी है, वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि समाज बिक नहीं रहा है, किसी भी तरीके समाज बिक नहीं रहा है। इसलिए चंद्रशेखर जैसे लोग वो आए और चले गए, उनसे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये व्यक्ति कांग्रेस या इस तरह के व्यक्ति जो हैं वो कांग्रेस समय समय पर पैदा करती रहती है, चाहे वो जगजीवन राम रहे हों या बाद में रामविलास पासवान रहे हों, उदित राज हों या रामदास अठवाले हों, ऐसे चारों तरफ इस तरह के लोग हैं। उसमें कुछ नए नए लोग भी जुड़ना चाहते हैं, कुछ चाहे वो बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे संगठन चला रहे हैं, वो भी कांग्रेस के साथ समझौता करके अपना, या बीजेपी के साथ समझौता करके या और दूसरे दलों के साथ समझौता करके अपनी छोटी मोटी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इनकी बस एक ही उपयोगिता है कि ये बीएसपी को नुकसान पहुँचा सकें या बीएसपी के नेतृत्व के खिलाफ बोल सकें। जिस दिन ये बोलना बंद कर देते हैं या नुकसान पहुँचाना बंद करते हैं, इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। आपको शायद पता भी ना हो कि बीपी मौर्य का क्या हुआ। ठीक है,